नमस्कार मित्रों, मैं अभी मरवाड़ी गांव में हूं। यहां की हाइट लगभग 6100 फीट की है। आप देख रहे हैं सामने जो है वो मैत गांव है, वहीं से मैं अभी आया हूं, कमत गांव से, एक कच्चे रास्ते से। और यहीं से मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा एक हिल, वहां पे जाने वाला हूं। वहां पे दो संत रहते हैं। बहुत ही सुंदर गाँव है, टिपिकल गढ़वाली सेटिंग आपको दिख रही है यहां पे। तो मेरे साथ मरवाड़ी गाँव के पूर्व प्रधान हैं बिश साहब, तो मैं इनसे इन गाँव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करूँगा। अभी सब आप इस सुंदर ग्राम के प्रति कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपने जो इस उत्तराखंड में जो पैदल यात्रा के तहत उत्तराखंड की जो धरती का आनंद लिया है, हम भी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। क्योंकि ये उत्तराखंड टिहरी डिस्ट्रिक्ट का सीमांत गाँव है मरवाड़ी गाँव, और ये बूढ़ा केदारनाथ से जुड़ा हुआ है, और बूढ़ा केदार मात्र 7 किलोमीटर दूर भी बूढ़ा केदार स्थान पड़ता है। और ये स्थान तीर्थाटन के लिए और पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी देर में आपको वहाँ पर पहुँचाएंगे, वो जराल ताल है, मंजाड़ा ताल है, और उस मंजाड़ा ताल का और जराल ताल का एक धार्मिक स्थल का नाम से भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, और हज़ारों देश विदेश के पर्यटक वहाँ पर आते हैं। और वहाँ तक सवाल ये है कि जो मरवाड़ी का है, मरवाड़ी गांव का भी एक बहुत पुराना इतिहास है, एक गंगोत्री मार्ग से जुड़ा हुआ है, और पैदल यात्रा भी इसी स्थान से जाया करते थे, और अब तो ये यात्रा रोड से भी जुड़ गए हैं, और ये भी महत्वपूर्ण स्थान है। और थोड़ी सी यहाँ पे यही कठिनाई है कि जो रोड की समस्या है, रोड जिस ढंग से होनी थी वो नहीं हो पाए, और एक नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैंने आपका एक घर देखा, बहुत ही सुंदर घर है, पूर्ण आपको संपूर्ण एक वैली का व्यू मिलता है, दूर गांव का व्यू मिलता है। तो आप यहाँ पे इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, यदि यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पे रहने की आप कुछ व्यवस्था करने के पीछे कुछ सोच रहे हैं? देखो मान्यवर, आपने जो ये सब क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मेरे साथ अधिकतर लोग बाहर से जुड़े हुए हैं, जैसे गुजरात से हैं, आपके दिल्ली है, बम्बई से हैं, कई लोग यहाँ पे आते हैं। और मैं अधिकतर अपने साथ आपके व्यवहार जैसे मान करके, अपने अपनाता दे करके, अपने घर में ही उनको ठहराते हैं, और जो अपना घर का भोजन है उन भोजन से उनकी व्यवस्था कराता हूं। और लगभग अधिकतर लोग तो मतलब होटलों को पसंद ना करके ऐसे घरों में ज़्यादा आनंद लेते हैं, और अधिकतर जो हम आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे घर हैं, उन घरों में हम उन लोगों की व्यवस्था करते हैं, और यहाँ पर सभी व्यवस्था मिलेंगी। और जो हमारा अपना घरेलू खाद्यान्न का जो भोजन है, जो हमारे पहाड़ी व्यंजन के हिसाब से हम उनको ये देते हैं, उस भोजन को हम करवाते हैं। धन्यवाद बिश साहब, आपकी ये जानकारी देके हमें बड़ा आनंद हुआ, और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत से पर्यटक यहाँ पे आए, अच्छे इको टूरिज्म करें, आपके गांव का नाम हो, जितने पर्यटक आए यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जल्द से जल्द बेहतर हो, और मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो यही बिश जी का होम स्टे है, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कद्दू भी है, लोकल यहाँ के फार्मिंग के, चचिंडा आपको दिख रहा है जो हमने ऊपर खाया था पहाड़ों में, और ये संपूर्ण आप खेती देख रहे हैं, यहीं पे जैविक उपज होती है। मैं तो बहुत आनंदित हो गया यहाँ पे, मेरा मन रह गया कि यहीं पे दो चार दिन रुक जाऊँ। जैसे आप बाहर आएंगे आपको देखिए क्या एक बहुत ही आनंददायक एक व्यू प्राप्त होता है, जैसे आप वैली से सीमित है। ये आपके लोकल पद्धति से बनता है, तो जैसे आप देख रहे हैं मैं इनसे खाना बनाने सीख रहा हूँ, अब ये जाके मैं अपने घर में बनाऊंगा। इसकी टेस्ट और सुगंध इतनी अच्छी आ रही है, घर के चूल्हे पे बनाया हुआ, यहाँ के इनके खेत से फ्रेश निकाला हुआ चचिंदा कद्दू, और इसमें इनकी ग्रोन टमाटर है, हरे टमाटर है, और अभी थोड़ी देर के बाद हम यहीं पे इनकी ग्रोन राजमा दाल भी बनाने वाले हैं। तो इस टाइप का अनुभव अब यदि आप इस गांव में आएंगे तो आपको प्यार से भरा खाना मिलेगा इसे चूल्हे पे, और ये अनुभव आप अनपैरेलल्ड है, आपको और कहीं भी नहीं मिल सकता। तो फाइनली ये भोजन तैयार है, स्वादिष्ट भोजन। ये जैसे मैंने कहा था कुछ समय पहले कि ये चचिंडा कद्दू की सब्जी है जो यहाँ पे लोकली ग्रोन है, ये पहाड़ी राजमा है, ये यहाँ के स्पेशल लाल चावल है, और ये रोटी है, ये अब लोकली जो बना रहे थे कद्दू की सब्जी है। मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ही नहीं, इतनी स्वादिष्ट है, और ये लोकल राजमा की दाल, ये अद्भुत है। तो मैं आपसे अवश्य अनुरोध करूंगा कि आप इस गांव में आइए और इस स्वादिष्ट भोजन का आप भी आनंद उठाइए।
ये सब लोकली ऑर्गेनिकली ग्रोन चीज़ें हैं और स्पेशली चूल्हे पे बनाई हुई, और इसका स्वाद आपको और कोई भी कहीं भी मिलना पॉसिबल नहीं। तो अब मैं इस भोजन का स्वाद लेता हूँ कि मैं अभी रुक नहीं सकता, ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। धन्यवाद।